चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कुछ थ्योरेटिकल टर्म्स हैं जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं, जो सेकेंड यूनिट का पार्ट है। ओके, उसे स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं और बहुत आसान है, सिर्फ आपको डिफिनेशन और नाम नहीं पता होगा। ठीक है, तो नाम अगर आप जान लेंगे, डिफिनेशन उसके अकॉर्डिंग अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, सी टोकेंस होते क्या है? सी टोकेंस का मतलब, देखिए, जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग में कोई भी लाइन लिखते हैं, ये प्रोग्रामिंग में आप कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी लाइन लिखते हैं, तो उसमें जितने आपको एक एक शब्द या सिंबल दिखते हैं, सबको एक एक टोकन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहां लिखा गया है सी इक्वल टू ए प्लस बी सेमी कॉलन। अगर मैं कहूं कि इसमें टोकन कौन कौन सा है, तो देखो सी अलग है, इक्वल टू अलग है, ए अलग है, तो हर एक अल्फाबेट सिंबल या कोई शब्द, ओके, सब एक एक टोकन है तुम्हारे। तो अगर हम कहें कि सी क्या है, तो सी एक टोकन है, इक्वल टू क्या है, ये भी एक टोकन है, ओके, ए क्या है, ये भी एक टोकन है, प्लस क्या है, ये भी एक टोकन है, ओके, और ये बी क्या है, ये भी एक टोकन है, सेमी कॉलन इज ऑल्सो अ टोकन। तो हर एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक सिंबल, सब के सब क्या कहलाते हैं, तुम्हारे टोकेंस कहलाते हैं। ओके, तो सिंपल डिफिनेशन मैं लिख बता दे रहा हूं। सी टोकेंस का मतलब क्या हुआ? ईच एंड इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एनी इंस्ट्रक्शंस इन प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। सिंपल, हर एक शब्द या स्मॉलेस्ट यूनिट जो किसी लाइन में आपको दिखेगा, ओके, वही क्या कहलाएगा, आपका टोकन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, इफ ब्रैकेट ए ग्रेटर देन बी, ओके, इफ क्या है, ये भी आपका एक टोकन है, ये भी आपका टोकन है, ये ब्रैकेट क्या है, ये भी आपका एक टोकन है, ए क्या है, ए और बी, ये भी आपका एक टोकन है, और ग्रेटर देन, ये भी आपका एक टोकन। तो हर एक सिंबल, हर एक अल्फाबेट, हर एक शब्द आपका क्या कहलाता है, टोकन कहलाता है। अब इन टोकन को कई सारे कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ये कैसे, जैसे ये ब्रैकेट है, इसको अलग कैटेगरी में रखा, जो शब्द आएंगे उनको अलग कैटेगरी में रखा जाएगा, जो सिंबल आएंगे उनको अलग, जो नाम आएंगे उनको अलग, वेरिएबल आएंगे उनको अलग कैटेगरी। ओके, तो टोकन्स को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और वो टाइप्स क्या क्या थे देख लीजिए। पहला क्या था तुम्हारा, कीवर्ड्स। ओके, दूसरा था आइडेंटिफायर या वेरिएबल, जिसे कहते हैं लिटरल्स भी कहते हैं इसे। ओके, लिटरल्स, आइडेंटिफायर या वेरिएबल। तीसरा था कॉन्स्टेंट्स। चौथा था आपका स्ट्रिंग, ऑपरेटर और स्पेशल सिंबल्स। इतने कैटेगरी में डिवाइड किया गया टोकेंस। ओके, और यही छोटे छोटे टर्म्स हैं, मैक्सिमम आप जानते भी होंगे। ओके, तो इन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना कि ये होता क्या है। ओके, तो टोकेंस को मेनली 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कॉन्स्टेंट, स्ट्रिंग, ऑपरेटर, स्पेशल सिंबल्स। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले चीज की, दैट इज योर कीवर्ड्स। पहला टोकन आपका कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? ओके, प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। प्री डिफाइंड वर्ड्स, जो पहले से बने बनाए शब्द हैं, ओके, उन्हीं को कीवर्ड्स कहा गया। मतलब ये डेली सिटी पहले से बना के गए। डेली सिटी क्या है, इसके पहले भी जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलते थे, ये शब्द उसमें इस्तेमाल होते थे। ओके, तो हर कंपाइलर या हर लैंग्वेज के पास कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो रिजर्व होते हैं उनके लिए। आप उनका इस्तेमाल तभी करेंगे जब उनकी जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा मेरे पास एक कंडीशन है, इस कंडीशन को मैं चेक करना चाहता हूं प्रोग्राम में, तो बताओ कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाएगा कंडीशन चेक करना है। तो क्या मैंने कहा कंडीशन चेक करना है, क्या मैं स्ट्रक्ट से चेक कर सकता हूं? नहीं, जब भी कंडीशन चेक करना होगा आप इफ का इस्तेमाल करेंगे। ओके, मैं चाह रहा हूं कि
एक काम है जिसको मैं 10 बार करना चाहता हूं, बार बार होता रहे बार बार होता रहे, ओके। तो इसका मतलब आपको एक लूप चलाना होगा। अगर आपको लूप चलाना है तो आपके पास पहले से बने बनाए शब्द उन्हीं का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या क्या? फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल, इन्हीं तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि हाँ, ऐसा थोड़े कि विवेक लिख दे विवेक आई बराबर 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 10 और ये लूप चला देगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको लूप चलाना है तो जो पहले से बना है लूप चलाने के लिए उसी शब्द का इस्तेमाल करना होगा। तो वो सारे शब्द जो प्री डिफाइंड है, पहले से बने बनाए हैं, आप उन्हीं का इस्तेमाल केवल कर सकते हैं अगर कोई पर्टिकुलर काम करना है तो। उन्हीं को कहा गया कीवर्ड्स। तो फिक्स्ड वर्ड या रिजर्व वर्ड या प्री डिफाइंड वर्ड्स हुज मीनिंग कांट बी चेंज्ड, जिसकी मीनिंग को हम चेंज नहीं कर सकते, उन्हीं को कहा गया कीवर्ड्स। और सी में टोटल 32 कीवर्ड्स हैं, सी में टोटल 32 कीवर्ड्स हैं और मैक्सिमम आप पढ़ चुके हैं। चलते हैं देखते हैं, फॉर, व्हाइल, डू, इफ, एल्स, स्विच, केस, ब्रेक, कंटिन्यू, ओके। ये सारे के सारे कीवर्ड्स और मैक्सिमम आप पढ़ चुके हैं। देख लेते हैं कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। ये नहीं पढ़ा आप लोगों ने, ऑटो, डबल, हाँ डबल देखा था, फ्लूट का बड़ा वर्जन, ठीक है, डबल, इंट देखा है, स्ट्रक्ट भी देखा, अभी 2 दिन पहले ही देखा है आपने। स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते थे। स्ट्रक्ट एक ऐसा कीवर्ड है जो हम इस्तेमाल करेंगे अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा तो। ब्रेक हो चुका है, बॉडी से बाहर निकलने के लिए हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं या लूप से बाहर निकलने के लिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू, दोनों में डिफरेंस पूछा है। ब्रेक क्या करता है, उठा के बाहर फेंकता है, कंटिन्यू किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे काम नहीं होने देता। लेकिन एक डिफरेंस क्या होता है, ब्रेक का इस्तेमाल हम 2 जगह करते हैं, स्विच या लूप में, स्विच या लूप में करते हैं। लेकिन कंटिन्यू का इस्तेमाल, यहां पे देखिए ये भी कीवर्ड है कंटिन्यू, इसका इस्तेमाल केवल केवल लूप में हो सकता है, स्विच में इस्तेमाल नहीं। ये आउटपुट का क्वेश्चन आया था कि स्विच के अंदर उसने केस 1 में ब्रेक लगाया था, केस 2 में कंटिन्यू लगाया था, अब पूछा था व्हाट विल बी द आउटपुट। तो याद रखिएगा, कंटिन्यू स्विच के अंदर अगर लगा है तो वो एरर है, ये चीज है। तो कंटिन्यू का इस्तेमाल हम केवल करेंगे लूप के अंदर। एल्स आपने देखा ही है, इफ एल्स, लॉन्ग, लॉन्ग इंटीजर, लॉन्ग हो गया, स्विच देखा है, केस देखा है, एनम नहीं देखा, तो 2 शब्द हो गए ऑटो और एनम, ये नहीं देखा गया। रजिस्टर तभी देखेंगे जब ऑटो देखें, क्योंकि 3 तरह के 4 तरह के वेरिएबल बताए गए हैं, ऑटो, एक्सटर्न, रजिस्टर और एक होता है तुम्हारा स्टैटिक, ये 4 तरह के वेरिएबल बताए गए। ऑटो हो गया, ये नहीं देखा, रजिस्टर नहीं आप लोगों ने देखा, ओके, एक्सटर्न नहीं दिया होगा और एक और होगा इसी में कीवर्ड स्टैटिक, ये है स्टैटिक। ये 4 अभी हम लोग को आगे पढ़ना है कि वेरिएबल कितने तरह के हो सकते हैं। जब फंक्शन पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि हाँ वेरिएबल को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ओके। ये हो गया टाइप देव, आगे है आपके कैरेक्टर, अगर आप कैरेक्टर लेना चाहते हैं, वैसे कैरेक्टर नेक्स्ट टॉपिक है, कैरेक्टर स्ट्रिंग, उसमें पूरा बताया जाएगा कि कैर का मतलब क्या होता है, आस्की कोड क्या होता है, क्या आप कोई अल्फाबेट प्रेस करते हैं तो क्या सिस्टम अल्फाबेट समझता है या कुछ और समझता है, ओके। ये सारी चीजें हैं। रिटर्न फंक्शन के अंदर है, यूनियन स्ट्रक्चर और यूनियन सेम होता है, डिफरेंस मैंने उस दिन बताया था, कल ही बताया था डिफरेंस कि क्या डिफरेंस होता है। स्ट्रक्चर में अगर साइज निकाला जाए तो टोटल साइज जो होता है वो सारे मेंबर्स को आपस में जोड़ दो वो टोटल साइज होता है, लेकिन यूनियन में क्या होता था, जो लार्जेस्ट स्पेस होता था वो मिलता था। तो ये सारी चीजें हैं, इतने हैं आपके टोटल, देखो डिफॉल्ट है, साइज ऑफ, ओके, डू है, फॉर है, व्हाइल है, ओके, ये सारे के सारे, फ्लोट है, ओके, ये सब के सब क्या है आपके कीवर्ड्स हैं और ये प्री डिफाइंड पहले से बने बनाए। आप अगर बाहर निकलना है किसी लूप से अचानक से तो आप ब्रेक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने कहा इफ गलत हुआ, गलत इफ कंडीशन चेक किया, अगर वो गलत हुआ तो मैं दूसरे के पास जाना चाहता हूँ, फॉल्स के पास, तो आप एल्स लगाएंगे, ओके। मैं कह रहा हूं इंटीजर छोटा पड़ गया है, ठीक है, उसका मैं रेंज बड़ा करना चाहता हूं तो क्या लगाएंगे, लॉन्ग इंटीजर, ओके। ये फिक्स है, ये हो गया कीवर्ड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है तुम्हारा, ये देखिए, ये पहला टाइप है टोकन का, टोकन 6 कैटेगरी में है। पहला हो गया कीवर्ड, दूसरा होता है आपका आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर
आइडेंटिफायर को एक और नाम से जाना जाता है, वेरिएबल्स, और एक और नाम से जाना जाता है लिटरल्स। इतने नाम से जाना जाता है। देखो आइडेंटिफायर नाम ही है, आइडेंटिफायर मतलब जो आपकी आइडेंटिटी को बता सके। जैसे आपकी आइडेंटिटी अगर बताना हो तो क्या है आपकी आइडेंटिटी, आपका नाम आपकी आइडेंटिटी। ओके, तो नेम ऑफ एनी वेरिएबल एरे फंक्शन इज नोन एज आइडेंटिफायर। आप जो भी नाम अपने लग से देते हैं किसी वेरिएबल को, किसी फंक्शन को, किसी एरे को, किसी मैट्रिक्स को या किसी स्ट्रक्चर को, उसी को कहा जाता है आइडेंटिफायर। ओके, तो नेम ऑफ एनी वेरिएबल और एरे और स्ट्रक्चर और फंक्शन इज नोन एज आइडेंटिफायर, वेरिएबल और लिटरल्स। ये चीज है। अब देखो किसी वेरिएबल का नाम ले सकते हैं, जैसे हमने कहा चार वेरिएबल लेके दिखाई है, तो देखो ए भी ले सकते हो, विवेक भी ले सकते हो, ओके, रेट भी ले सकते हो, प्रिंसिपल भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। वेरिएबल का ऐसा कोई रूल नहीं है कि हाँ कि फिक्स है कि ए बी सी डी ही लेना होता है, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, कोई भी नाम ले सकते हैं। ओके, लेकिन फिर भी इसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स टू चूज द नेम ऑफ आइडेंटिफायर, ऑफ आइडेंटिफायर। कुछ रूल्स हैं, ये नहीं कि जो मन करे वो ले लीजिएगा, और बहुत आसान से रूल्स हैं। पहला रूल क्या कहता है कि आप आइडेंटिफायर का जो नाम लेंगे ना, वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। नेवर स्टार्ट विथ डिजिट्स आर सिंबल, नेवर स्टार्ट विथ डिजिट्स आर एनी सिंबल। ये एक्सेप्ट, सिंबल में एक सिंबल अलाउ है, एक्सेप्ट अंडरस्कोर। ये इस सिंबल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडरस्कोर। और एक बात और जान लीजिए, अगर हम कह रहे हैं किसी भी वेरिएबल के नाम में क्या कहीं भी कोई सिंबल इस्तेमाल किया जा सकता है, ओके, तो याद रखिएगा सिर्फ एक सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज अंडरस्कोर, कहीं भी, चाहे स्टार्टिंग में, चाहे एंड में, चाहे बीच में, तो सिर्फ इसी का इस्तेमाल कर सकते। चलिए, तो एक बात याद रखिए कि यार कभी भी अगर कोई सिंबल दिख गया किसी वेरिएबल के नाम में, ओके, इसके अलावा, तो वो गलत है। जैसे अगर हमने कहा फॉर एग्जांपल, आपको बताना है, ठीक है, कि ये सही है कि गलत है अगर वेरिएबल इस नाम से लिया जाए। ओके, जैसे हमने कहा इंट, कुछ वेरिएबल्स लेते हैं, 1 ABC पहला वेरिएबल, ठीक है, दूसरा लेते हैं @ABC, ये हो गया, तीसरा _ABC, ओके, चौथा लेते हैं ABC_RE, ओके, फिर लिया ABC@12 या NB ले लेते हैं। इतने वेरिएबल लिया हमने, ओके, पहला वेरिएबल ये हो गया, दूसरा वेरिएबल ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है, इस पे देखते हैं। क्या कहा है कि कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं, स्टार्टिंग पहला, ठीक है, डिजिट नहीं हो सकता, तो ये गलत, दिस इज योर रॉन्ग। ओके, कोई सिंबल नहीं हो सकता एक्सेप्ट अंडरस्कोर, ठीक है, तो यहां पे देखिए पहले ही सिंबल आ गया, अंडरस्कोर नहीं, इसका मतलब ये गलत है। ओके, दूसरा अंडरस्कोर है तो ये सही है, अंडरस्कोर बीच में है तब भी सही है, अंडरस्कोर कहीं भी हो सकता है, लेकिन @, ठीक है, ये बीच में है इसलिए ये गलत है।
सिर्फ एक ही सिंबल अलाउ हो, चाहे आगे चाहे पीछे चाहे बीच में, कहीं भी सिर्फ एक सिंबल अलाउ है, दैट इज योर अंडरस्कोर। ओके, नो अदर सिंबल इज अलाउड। ये चीज है। चलो सेकेंड रूल, डिजिट्स आर अलाउड इन नेम ऑफ वेरिएबल या आइडेंटिफायर एक्सेप्ट फर्स्ट पोजिशन। फर्स्ट पोजिशन केवल पहले पोजिशन को छोड़ के बाकी हर जगह डिजिट्स अलाउ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कहा ए बी सी एट द रेट 1 2 3, दूसरा ए बी सी अंडरस्कोर 1 2 3, फिर ए बी 1 2 बी सी, इसमें कौन सा सही है? तो देखो, सिर्फ पहले पोजीशन पे डिजिट नहीं हो सकता, बाकी हर जगह हो सकता है। तो क्या ये सही है? ये सही होना चाहिए, लेकिन एक गड़बड़ क्या हो गया कि यहां पे एक सिंबल आ गया अंडरस्कोर, अंडरस्कोर नहीं हो सकता, सिर्फ एक सिंबल अलाउ है, मैंने पहले ही बताया, ये एट द रेट आ गया, सिर्फ एक अंडरस्कोर अलाउ है, उसके अलावा कुछ नहीं अलाउ नहीं है। इसका मतलब ये तो गलत है, लेकिन बाकी दोनों सही है। देखिए, डिजिट बाद में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, लेकिन बस पहले पोजीशन पे नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों सही है। तीसरा, नेवर बी एनी कीवर्ड। ये ध्यान में रखिएगा कि ऐसा नहीं कि आप एक वेरिएबल लीजिए और उसका नाम ही फॉर रख लीजिए। ओके, हमने दूसरा वेरिएबल ले लिया जिसका नाम इफ रख लिया, तो वेरिएबल का नाम याद रखिए, जो पहले से जो 32 कीवर्ड्स हैं उनको छोड़ के कुछ भी ले सकते हैं, तो कभी भी कीवर्ड नहीं हो सकता, उनके अलावा कुछ भी हो सकता है। ये चीज है। तो ये बेसिकली यही रूल्स हैं। ओके, एक और रूल आप बढ़ा सकते हैं कि एनी सिंबल एक्सेप्ट अंडरस्कोर इज नॉट अलाउड इन एनी नेम। ये चीज आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका, ठीक है, आइडेंटिफायर। तो सिंपल है, आइडेंटिफायर इज द नेम ऑफ एनी वेरिएबल और फंक्शन और एनी स्ट्रक्चर। कुछ रूल्स हैं, आपको वो रूल्स पता होना चाहिए। हो सकता है पूछ दे, ठीक है, व्हाट आर द रूल्स टू चूज एनी नेम ऑफ द आइडेंटिफायर। ओके, और ये पता हो सकता है, ये भी पूछ दे कि हाँ, कुछ वेरिएबल्स के नाम दे दे और कह दे कि हाँ, आपको बताना कौन लीगल है कौन इलीगल है, कौन वैलिड वेरिएबल्स है कौन इनवैलिड वेरिएबल्स। ओके, तो आपको रूल्स पता है तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, कॉन्स्टेंट्स। ओके, कॉन्स्टेंट्स की बात कर लेते हैं। कॉन्स्टेंट क्या मतलब? ऐसी वैल्यूज जिनकी वैल्यू पहले से फिक्स होती है, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं बताना है। जैसे अगर हमने कहा 100 क्या है, तो 100 कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है। ओके, कॉन्स्टेंट को मेनली चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ठीक है। पहला था आपका इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, इंटीजर कॉन्स्टेंट्स। दूसरा था आपका फ्लोट कॉन्स्टेंट्स, फ्लोट कॉन्स्टेंट। तीसरा था आपका कैरेक्टर, और चौथा था आपका स्ट्रिंग। चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया। इंटीजर मतलब वो सारी वैल्यूज जो विदाउट डेसिमल पॉइंट हो, चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो। फ्लोट का मतलब वो सारी वैल्यूज जो दशमलव के साथ हो, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ओके, अब ये कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर मीन्स कोई भी सिंगल अल्फाबेट, ओके, या सिंबल या कोई भी डिजिट, जिसको अगर हम सिंगल कोट्स के इनसाइड लिखते हैं, मतलब ये अगर आपसे कोई पूछे ये क्या है, तो ये अल्फाबेट है, लेकिन अगर ये इसके अंदर लिख दिया जाए तो ये कैरेक्टर हो जाता है। ये क्या है हमारा? कैरेक्टर। ये कैरेक्टर है। ओके, ये अगर नहीं लिखोगे तो वो डिजिट है, ये हमारा कैरेक्टर। तो कैरेक्टर की सिंपल डिफिनेशन, एनी अल्फाबेट, एनी डिजिट और एनी सिंबल विच इज इंक्लूज्ड इन सिंगल कोट्स इज नोन एज कैरेक्टर। ओके, ये पूरा टॉपिक है जो आगे पढ़ा जाएगा कि व्हाट इज कैरेक्टर, कैसे उसे रीड करते हैं, कैसे उस पर काम किया जाता है। ओके, ये सारा, बहुत सारे प्रोग्राम है। ओके, कैरेक्टर का मतलब अकेला,
अगर कई सारे कैरेक्टर को जोड़ दिया जाए तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग। कैसे लिखा जाता है, याद रखिए हमेशा डबल कोट्स के अंदर, जैसे ये स्ट्रिंग। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, तो ये क्या है आपका वेरिएबल, क्योंकि आपने सिंगल कोट्स के अंदर नहीं लिखा। तो ये अगर कहा जाए तो या तो नाम हो सकता है, और नहीं होगा नाम तो ये वेरिएबल हो सकता है। ओके, इंट फ्लोट, जैसे ए, अगर आपसे कोई पूछे ये ए क्या है, ए वेरिएबल है, ए क्या है वेरिएबल है, ये अब ए क्या है, ये कैरेक्टर है, और अगर ये डबल कोट्स के अंदर ले गया तो ये अब ये स्ट्रिंग। तीन चीजें, ये हो गया आपका अल्फाबेट कह लीजिए चाहे वेरिएबल कह लीजिए, ये आपका कैरेक्टर हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया। तो स्ट्रिंग की डिफिनेशन क्या होती है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर विच इज इंक्लोज इन डबल कोट्स इज नोन एज ए कैरेक्टर स्ट्रिंग। ये हो गया। तो चलिए, तो इसी के साथ आइडेंटिफायर, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट की सारी डिफिनेशन हो गई, स्ट्रिंग तक खत्म हो गया। स्पेशल सिंबल, स्पेशल सिंबल में क्या आता है, ऐसे सिंबल्स ओके जो स्पेशल पर्पज के लिए इस्तेमाल हो, जिनका मीनिंग पहले से फिक्स है। जैसे हमने कहा कि अगर आपको कहीं भी स्क्वायर ब्रैकेट दिखता है, सपोज सिंगल ये दिखा, अगर ये दिखता है तो आप खुद से समझ जाएंगे ये क्या है, एरे है, वन डायमेंशन एरे। अगर ये दो बार दिखा तो ये 2D एरे है, तीन बार दिखा तो 3D एरे। इसका इस्तेमाल कब करते, तो वो सारे सिंबल्स जिनकी मीनिंग प्री डिफाइंड है उनका इस्तेमाल हम तभी करेंगे जब उनकी जरूरत होगी। जैसे हमें एरे करना है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, मैट्रिक्स बनाना है डबल स्क्वायर ब्रैकेट, बॉडी लगानी है तो कर्ली ब्रैकेट, ओके। ये वाला ब्रैकेट कब इस्तेमाल करेंगे, जब फंक्शन बनाना होगा, जब फंक्शन क्रिएट करना होगा तो ये वाला ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। सेमी कॉलन एंड ऑफ द लाइन, लाइन यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी, ओके। कामा एज ए सेपरेटर, जैसे हमने कहा कि कई सारी वेरिएबल्स को सेपरेट करना है तो कामा लगाएंगे, ओके। तो वो सारे सिंबल्स जिनकी प्री डिफाइंड मीनिंग होती है उनका इस्तेमाल तभी करेंगे जब उनकी जरूरत पड़ेगी, ओके, उसे कहा जाता है स्पेशल सिंबल्स, ओके। और लास्ट टोकन है दैट इज योर ऑपरेटर, जो क्लास में पढ़ाया गया कि सारे ऑपरेटर क्या होते हैं, ओके, सबकी मीनिंग क्या होती है, ओके? बहुत सारे ऑपरेटर बताए गए थे, ऑपरेटर मिले तीन कैटेगरी के होते थे, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, उसके अलावा कुछ और कैटेगरी भी बताए गए थे, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स मींस अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, वो सारे आपके सिंबल्स होते थे, ओके, जिनका मीनिंग पहले से फिक्स था, सब पे काम करना बताया गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब पे काम हो चुका है, ओके। तो ये आपके मेनली टोकेंस है, ओके। तो टोकेंस में जितने कैटेगरी थे सबको हम लोग जान लिए, सिंपल डिफिनीशन है, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। कीवर्ड्स मींस प्री डिफाइंड वर्ड्स हुज मीनिंग इज फिक्स्ड, ओके, फॉर एग्जांपल इंट, फॉर, इफ, एल्स। आइडेंटिफायर मींस नेम ऑफ एनी वेरिएबल और फंक्शन इज नोन एज आइडेंटिफायर। कुछ रूल्स हैं, रूल्स क्या है कि पहला लेटर कभी भी नंबर डिजिट नहीं हो सकता, ओके, कोई सिंबल नहीं हो सकता, केवल एक सिंबल अलाउ है दैट इज योर अंडरस्कोर। कोई भी पहले से कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते नेम के लिए, ओके, ये सारे रूल्स हैं आपको पता होना चाहिए। डिजिट्स अलाउ है एक्सेप्ट फर्स्ट पोजीशन, ओके, उसके अलावा कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जिनकी मीनिंग, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, आप बार बार उसे चेंज नहीं कर सकते। चार कैटेगरी होता है, इंट, फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग, ओके। ऑपरेटर मींस वो सारे सिंबल जो अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं, ओके, तो उन्हें कहते हैं ऑपरेटर। सिंबल्स, सिंबल्स मीन्स स्पेशल सिंबल्स, जैसे कामा, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, वो सब होता है आपका स्पेशल सिंबल्स। तो ये हो गया टोकेंस, ओके। ऑपरेटर्स आपको पढ़ाया जा चुका है ये, ओके। अब एक चीज और, आपने देखा होगा नंबर, नंबर सिस्टम भी आपको पढ़ाया गया होगा, ओके। नंबर सिस्टम में आपको चार तरह के नंबर पढ़ाए गए थे, जैसे एक डेसिमल, तो ये जो आप नंबर लेते हैं कोई, जैसे मान लीजिए 34 लिया, तो ये बाय डिफॉल्ट डेसिमल होता है, इसीलिए हम लिखते हैं परसेंटेज डी, डी फॉर डेसिमल। अगर आप हमने ए को प्रिंट किया तो ये डेसिमल प्रिंट करेगा, ओके, ये डेसिमल वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, स्लैश एन लगा दे रहा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं इसका ऑक्टल और हेक्साडेसिमल भी आ जाए, ओके,
मैं क्या चाहता हूं इस नंबर का ऑक्टल और हेक्साडेसिमल भी आ जाए, तो सिर्फ आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर बदलना, आप ऑक्टल चाहिए ओ, ओ फॉर ऑक्टल। ये ऑक्टल हो जाएगा। हेक्साडेसिमल चाहिए तो एच मत नहीं, एच नहीं होता है ठीक है, उसके लिए एक्स होता है, एक्स फॉर हेक्साडेसिमल ए। लेकिन बाइनरी का ये मत सोचिएगा कि परसेंट बी लिख देंगे तो बाइनरी आ जाएगा। बाइनरी के अलावा फॉर्मेट स्पेसिफायर बना है ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के लिए, लेकिन बाइनरी के लिए कोई नहीं बना है, तो ये परसेंटेज बी नहीं होता। तब आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, ये नेक्स्ट प्रोग्राम होगा जिसमें हम लोग करेंगे राइट प्रोग्राम टू कन्वर्ट एनी ऑक्टल नंबर या एनी डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, ओके, या ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में भी उसका प्रोग्राम भी बन सकता है। लेकिन अगर ऑक्टल और हेक्साडेसिमल डायरेक्ट प्रिंट कराया तो परसेंटेज वो लिख दीजिए, ऑक्टल हेक्स लिख दीजिए। चलिए रन कराइए, देखिए 34 का डेसिमल होगा 34 एज इट इज, ऑक्टल होगा 42 और हेक्साडेसिमल होगा 22, ओके। करके भी देख लेते हैं हम लोग कैसे करते हैं। 34 का मुझे ऑक्टल चाहिए, तो ऑक्टल करने के लिए इसे 8 से डिवाइड कर लीजिए, ऑक्टल आएगा 42। ये 8 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर को नोट करते जाइए, ओके। नोट करने के बाद टॉप टू बॉटम इसे नोट कर लीजिए, दैट इज योर ऑक्टल 34 का। हेक्साडेसिमल भी कर लो, 34 दो बार जाएगा, दो रिमाइंडर बचेगा, 16 जीरो टाइम जाएगा, दो रिमाइंडर बचेगा, 22 इसका आएगा, 22 आ गया। देखो आंसर देख लो, 34 42 ऑक्टल एंड 22 इज योर हेक्साडेसिमल। तो अगर आपको हेक्साडेसिमल या ऑक्टल प्रिंट कराना है तब तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं परसेंटेज ओ या परसेंटेज एस, ओके। अगर आप चाहते हैं कि नंबर जो 34 है ये एज अ ऑक्टल जाके स्टोर, ये अगर मैं कहूं ये क्या है तो ये डेसिमल है, ये क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम है, मैं कह रहा हूं आप ऑक्टल नंबर ही स्टोर कराइए। ऑक्टल नंबर स्टोर कराने के लिए यहां पे लिख दीजिए, ओके, 0। हेक्साडेसिमल स्टोर कराना है तो इंट बी इक्वल टू